संपूर्णता में देखा है इस नाटक को, और नाटक देखने का जो अपना आनंद होता है हम जैसे लोगों को जो इसी फर्टिलिटी से आते हैं, हम लोग बहुत घमंडी होते हैं। घमंडी सेंस में कि अगर हमारे अंदर नाटक बसता है और हमारे सामने नाटक होता है, हम सोचते हैं यार इतना अच्छा कैसे कर सकता है, तो वो घमंड कहीं टूटता है हम जैसे लोगों का तो अच्छा लगता है। अगर नाटक में सुर पकड़ में आ गया और हम जैसे लोग उसमें समाहित हो जाते हैं तो नाटक आनंदकारी हो जाता है। तो आनंद की अनुभूति, आनंद का रसपान हुआ इस नाटक से, और तमाम कलाकार जो जितने लोगों ने इसमें अभिनय किया है सब अपने आप में बैलेंस थे, अच्छा अभिनय किया। अक्षय को और अक्षय की पूरी टीम को, संगीत टीम हो, बाकी लाइट हो, सब, और ये इस जगह को भी बहुत शुभकामनाएं। मतलब इस छोटी सी जगह में अगर इस चीज़ की अनुभूति करा देना कि भाई साहब देखो ये रूम थिएटर से, मतलब रूम थिएटर से बड़ा है, हम इसको रूम थिएटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एक पैटर्न रहा है रूम थिएटर में कि लोग कर देखते रहें, तो ये हॉल में अच्छा सा मेक बिलीव बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने मंटो को, यार हमने जब किताब पढ़ी थी मंटो की तो अपने टीन में थे, आज भी टीनेज में ही है, तो उस वक्त बड़ा गुदगुदाता हुआ था, तो लगा कि यार ये एक आदमी ऐसे कैसे लिख सकता है और इतना धड़ल्ले से बिक रहा है किताब, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे परिपक्व हुए और मैच्योरिटी की तरफ अग्रसर हुए तो लगा कि यार कमाल है, यही तो जिंदगी है, और जिंदगी तलाशते हैं और दिखता है उसमें। मंटो का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और इसलिए मतलब स्पेशली मैं आया भी था देखने के लिए, और मुझे लगता है कि अक्षय ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत ढंग से तलाशा है जीवन को, इस कहानी को।